नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। अब यहाँ पर पहला आंकिक प्रश्न दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान तथा शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक परिपथ दिया गया है, परिपथ में यहाँ पर एक संधारित्र है, इसके पश्चात यहाँ पर एक प्रतिरोध है और इसके पश्चात यहाँ पर प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है यानी कुंडली जुड़ा है और ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ करके परिपथ का निर्माण कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू कितनी होगी और इसके पश्चात यहाँ पर हमें शक्ति गुणांक की गणना करनी है। तो प्रश्न को दो भागों में हमें हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट को हम हल करेंगे यानी परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है I is equal to V upon Z। V क्या है? V उत्पन्न होने वाला विभवांतर है जिसे हम इस समीकरण से हल करेंगे और Z क्या है? Z यहां पर प्रतिबाधा है। अब यहां पर देखिए, प्रतिबाधा की वैल्यू यहां पर नहीं दी गई है, तो जब प्रतिबाधा की वैल्यू नहीं ज्ञात है तो हम I की वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहां पर प्रश्न के पहले पार्ट को हम बाद में हल करेंगे यानी जब Z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तब हम I के टर्म को ज्ञात करेंगे। तो अब हम प्रश्न के दूसरे पार्ट को हल करेंगे यानी यहां पर हम शक्ति गुणांक की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए, शक्ति गुणांक के लिए फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन Z। R क्या है? R उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध है और Z यहां पर प्रतिबाधा है। अब यहां पर देखिए, R की वैल्यू तो हमें यहां पर ज्ञात है, 50 ओम दी गई है, लेकिन Z की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है तो यहां पर हम Z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए, प्रतिबाधा यानी Z के लिए फार्मूला हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसी फार्मूले की सहायता से हम Z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, XL क्या है? XL यहां पर प्रेरण प्रतिघात है और XC यहां पर धारिता प्रतिघात है जिसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम XC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो यहां से इसके लिए फार्मूला हो जाएगा XC इज इक्वल टू 1/2πfc। अब यहां पर देखिए, इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/2π। पाई की वैल्यू कितनी होती है? इसका मान होता है 3.14। f की वैल्यू कितनी है? तो देखिए, f यहां पर फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का मान यहां पर दिया गया है 50 हर्ट्ज़। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी के स्थान पर 50 लिख देंगे। और c की वैल्यू कितनी है? तो यहां पर देखिए, C का मान दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को हम फैरड में परिवर्तित करके लिखेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2×10⁻⁶ और ये वैल्यू यहां पर फैरड में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहां पर जो टर्म प्राप्त हुआ है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, 50 का 2 में गुणा किया गया है प्लस 2 का 3.14 में गुणा किया गया है, तो इन दोनों का जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/ यहां पर देखिए 10⁻⁶ को यहां पर ऐसे उतार देंगे और इसमें गुणा कर देंगे 100 सा। देखिए यहां पर 50×2 100 हो जाएगा और यहां पर 3.14 का 2 में गुणा किया गया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.28। अब यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां से XC की वैल्यू हो जाएगी, XC इज इक्वल टू, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1/6.28, इसे ऐसे उतार देंगे और 10⁻⁷ यहां पर 2 लिख देंगे, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²×10⁻⁶। अब यहां पर देखिए, इस टर्म को थोड़ा सा हम और परिवर्तित करेंगे तो यहां से XC की वैल्यू हो जाएगी 1/6.28। अब यहां पर देखिए, 10⁻²×10⁻⁶, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴ और 10⁻⁴ को हम अंश में लेकर के जाएंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 10⁻+4।
अब यहां पर देखिए, यहां पर इस वैल्यू को थोड़ा सा हम और परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? तो यहां से एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 10 की घात +4 लिखा हुआ है, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 10 × 10³ और बटे में हम लिख देंगे 6.28। अब यहां पर देखिए 10 में हमें 6.28 से भाग देना है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहां पर जब हम 10 में 6.28 से भाग देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1.59, और यहां पर हम 10³ से गुणा कर देंगे और ये यहां पर एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी, और इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहां पर ओम प्राप्त हो जाएगा। अब हमने यहां पर एक्स सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी यहां पर हमें एक्सएल की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। तो एक्सएल की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL, और इसी फार्मूले की सहायता से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर 2 × π, पाई की वैल्यू कितनी होती है? इसका मान होता है 3.14। एफ की वैल्यू कितनी है? तो देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 50 हर्ट्ज, तो एफ के स्थान पर हम 50 लिख देंगे। और एल की वैल्यू कितनी है? तो इसका मान दिया गया है 10 हेनरी, तो यहां पर हम 10 हेनरी की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसी टर्म को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 50 × 10 × 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इन तीनों का जो गुणनफल होगा इसका मान हो जाएगा 1000, और इसमें हम 3.14 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो मान प्राप्त हुआ है इसे हम थोड़ा सा परिवर्तित भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? तो यहां से एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3.14 और इसमें गुणा किया गया है 1000 से, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 10³, और इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहां पर ओम प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हमने एक्सएल और एक्ससी इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों की वैल्यूज को इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे, तो यहां से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम यहां पर जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इज इक्वल टू √, यहां पर लिखा हुआ है R² R की वैल्यू यहां पर दी गई है 50 ओम, तो यहां पर हम 50 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है? इसका मान अभी हमने कैलकुलेट किया है 3.14 × 10³ माइनस एक्स सी की वैल्यू दी गई है 1.59 × 10³, और इन दोनों का हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इज इक्वल टू √, यहां पर 50 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू को जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2500। प्लस यहां पर देखिए 3.14 × 10³ माइनस 1.59 × 10³, इसका स्क्वायर दिया गया है, तो यहां पर कोष्ठक के अंदर वाले टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.55 × 10³, और इसका हम वर्ग कर देंगे। अब इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इज इक्वल टू √, यहां पर 2500 लिखा हुआ, इसे इसे उतार देंगे, और यहां पर देखिए 1.55 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.4025, और 10³ का वर्ग किया गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁶। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू √2500, इस वैल्यू को इसी में उतार देंगे। प्लस यहां पर 2.4025 का 10⁶ से गुणा किया गया है, तो जब हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2400000, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2500, यानी 2425000 वैल्यू हो जाएगी। अब इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2500 + 2425000, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से वैल्यू हो जाएगी 2400000, और प्लस यहां पे वैल्यू हो जाएगी 5000, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 2405000। अब यहां पर देखिए 2405000 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहां से जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1550.8, और इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहां पर ओम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, r का मान हमें पहले से ज्ञात है, तो यहां पर हम शक्ति गुणांक यानी cos थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर देखिए r की वैल्यू 50 ओम दी गई है, तो यहां पर हम 50 लिख देंगे, बटे z का मान अभी हमने कैलकुलेट किया है 1550.8। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें 50 में 1550.8 से भाग देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.032,
तो इस प्रकार से यहां पर हमने शक्ति गुणांक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर अभी हमारा आंकिक प्रश्न हल नहीं हुआ है। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर देखिए, यहां पर धारा के लिए फार्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। जेड की वैल्यू को हमने अभी कैलकुलेट किया है और वी की वैल्यू कितनी है, तो इसका मान यहां पर दिया गया है 250 वोल्ट। अब यहां पर इस वैल्यू को हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, तो यहां पर V के स्थान पर हम 250 वोल्ट पुट कर देंगे और Z के स्थान पर 1550.8 पुट कर देंगे। अब यहां पर देखिए 250 में हमें 1550.8 से भाग देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से वैल्यू हो जाएगी 0.161 और ये यहां पर I की वैल्यू हो जाएगी, यानी परिपथ में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के श्रेणी परिपथ में एक प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 23 वोल्ट, 8 वोल्ट और 20 वोल्ट प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर इस प्रश्न में तीन पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में परिणामी विभवांतर के मान को ज्ञात करना है, दूसरे पार्ट में हमें ये याद करना है कि परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच में कलांतर की वैल्यू कितनी है, और तीसरे पार्ट में हमें शक्ति गुणांक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके हम इन तीनों पार्ट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि परिणामी विभवांतर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखिए, परिणामी विभवांतर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस, यहां पर हम लिख देंगे वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और इसी फार्मूले की सहायता से हम परिणामी विभवांतर यानी E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहां पर प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे। तो यहां पर VL की वैल्यू दी गई है और इसका मान कितना है, इसका मान यहां पर दिया गया है 23 वोल्ट, इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोध के बीच में विभवांतर यहां पर 23 वोल्ट दिया गया है, तो VL की वैल्यू 23 वोल्ट हो जाएगी। इसके पश्चात यहां पर VC की वैल्यू दी गई है और इसका मान दिया गया है 8 वोल्ट, इस वैल्यू को भी यहां पर हम नोट कर लेंगे। और इसके पश्चात यहां पर प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है, इसे हम VR से व्यक्त कर देंगे और इसकी वैल्यू यहां पर दी गई है 20 वोल्ट, और इस वैल्यू को भी यहां पर हम नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां से इन सभी वैल्यूज को इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे, तो यहां से हमें E की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर, इसका मान कितना है, 20 वोल्ट है, यहां पर हम 20 का वर्ग कर देंगे प्लस, यहां पर वी एल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू दी गई है 23 माइनस बी सी, इसकी वैल्यू यहां पर 8 दी गई है, और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर होता है 400, यहां पर हम 400 लिख देंगे, और 23 माइनस 8 इसकी वैल्यू होती है 15, तो यहां पर हम 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 225। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिए गए टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर देखिए 400 प्लस 225, इसकी वैल्यू होती है 625, और 625 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू यहां पर 25 हो जाएगी, और ये यहां पर E की वैल्यू हो जाएगी। E क्या है, परिणामी विभवांतर है, और इसका मात्रक यहां पर वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने परिणामी विभवांतर यानी कैपिटल E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम प्रश्न के दूसरे पार्ट को हल करेंगे और हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच में कलांतर की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है टैन फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब इसी फार्मूले की सहायता से हम यहां पर टैन फाई यानी परिणामी विभवांतर और परिपथ धारा के बीच में कलांतर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हमें ना तो XL की वैल्यू पता है, ना XC की वैल्यू पता है, और ना हमें यहां पर R की वैल्यू पता है, तो इन तीनों वैल्यूज को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर R के सिरों पर यानी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है, इसका मान दिया गया है 20 वोल्ट, तो इसी की सहायता से हम R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हमें VR की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा IV इनटू R,
आईवी क्या है, धारा का मान है, आर यहां पर प्रतिरोध का मान है और वी यहां पर वोल्टेज का मान है। इसके पश्चात यहां पर अगर हमें वीएल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, इसी के आधार पर हम फार्मूले को चेंज कर देंगे। यहां से वैल्यू हो जाएगी आईवी इंटू एक्सएल और इसी फार्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हमें वीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए इसके लिए फार्मूला हो जाएगा वीसी इज इक्वल टू आई वी इंटू एक्ससी और इसी फार्मूले की सहायता से हम यहां पर वी आर वी एल वी सी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर हमें आर इसके पश्चात एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इन सभी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहां से R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू वी आर अपॉन आई वी। इसके पश्चात यहां पर देखिए, यहां पर हमें XL की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा XL इज इक्वल टू वी एल अपॉन आई वी। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें XC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा XC इज इक्वल टू वी सी अपॉन आई वी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं उसे सबसे पहले हम इन फार्मूलेज में पुट करेंगे। तो यहां पर VL की वैल्यू, VC की वैल्यू और VR की वैल्यू दी गई है तो इन सभी वैल्यूज को इन तीनों फार्मूलेज में हम पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए, R की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर VR का मान दिया गया है 20 वोल्ट तो यहां पर लिख देंगे 20 और बटे में हम लिख देंगे IV तो ये यहां पर R की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर सेकंड कंडीशन में देखिए, तो सेकंड कंडीशन में यहां पर VL की वैल्यू दी गई है और इसका मान दिया गया है 23 वोल्ट तो VL के स्थान पर हम 23 पुट कर देंगे और बटे में हम लिख देंगे IV। अब यहां पर देखिए, थर्ड कंडीशन में यहां पर VC की वैल्यू दी गई है, इसका मान हो जाएगा 8 वोल्ट तो यहां पर 8 पुट कर देंगे और बटे में हम IV पुट कर देंगे तो यहां से R, XL और XC की वैल्यू मिल गई और इन तीनों वैल्यूज को इस ऊपर वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां से tan phi की वैल्यू हो जाएगी, tan phi इज इक्वल टू XL, XL की वैल्यू कितनी है, यहां पर दिया गया है 23 बटे IV तो यहां पर हम पुट कर देंगे 23 बटे IV माइनस XC की वैल्यू कितनी है तो इसका मान दिया गया है 8 बटे IV तो यहां पर हम पुट कर देंगे 8 बटे IV बटे R की वैल्यू कितनी है तो इसका मान दिया गया है 20 बटे IV तो यहां पर हम पुट कर देंगे 20 बटे IV। अब यहां पर आप इस टर्म को देखिए, तो यहां पर जब इसे आप देख रहे हैं तो आईवी और आईवी का टर्म कॉमन है और हर में भी आईवी का टर्म कॉमन है तो यहां से आईवी और आईवी इस आईवी से कैंसिल हो जाएगा तो यहां से टेन फाइव की वैल्यू हो जाएगी, टेन फाइव इज इक्वल टू 23 माइनस 8 और बटे में हम 20 लिख देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से टेन फाइव की वैल्यू हो जाएगी, टेन फाइव इज इक्वल टू 23 माइनस 8 इसकी वैल्यू यहां पर 15 हो जाएगी और बटे में हम 20 लिख देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो 5 से हम 15 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी और 5 से हम 20 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, 3 में हमें 4 से भाग देना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.75। अब यहां पर देखिए, टेन फाइव की वैल्यू है 0.75 तो यहां से फाइव की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 0.75। अब यहां पर फाई की वैल्यू कितनी होगी तो यहां पर देखिए, फाई की वैल्यू हो जाएगी 36.9 डिग्री। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के दूसरे पार्ट को कैलकुलेट कर लिया, यानी परिणामी विभवांतर और परिपथ धारा इनके बीच में जो उत्पन्न होने वाला कलांतर है, फाई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36.9 डिग्री। अब हम इसी प्रश्न के तीसरे पार्ट को हल करेंगे और तीसरे पार्ट में हमें शक्ति गुणांक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, शक्ति गुणांक के लिए फार्मूला होता है कॉस फाई। अब यहां पर देखिए, फाई की वैल्यू को अभी हमने कैलकुलेट किया है, 36.9 डिग्री है तो यहां पर देखिए, कॉस इंटू 36.9 डिग्री लिख देंगे। अब यहां पर कॉस 36.9 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो देखिए, जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.79968 या इस वैल्यू को थोड़ा सा हम चेंज करके भी लिख सकते हैं तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 0.8। देखिए, 79968 की वैल्यू को 0.8 पुट कर सकते हैं तो इस प्रकार से यहां पर हमने शक्ति गुणांक की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि संलग्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, प्रश्न में 3 पार्ट दिए गए हैं तो पहले पार्ट में हमें परिपथ प्रतिबाधा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दूसरे पार्ट में हमें धारा के शिखर मान की कैलकुलेशन करनी है और तीसरे पार्ट में हमें यह ज्ञात करना है कि धारा वोल्टता कलांतर की वैल्यू कितनी होगी।
तो यहां पर हम प्रश्न के पहले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे यानी परिपथ प्रतिबाधा की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए इसके लिए फार्मूला होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, और इसी फार्मूले की सहायता से हम परिपथ प्रतिबाधा यानी z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए एल की वैल्यू दी गई है और इसका मान हो जाएगा 0.2 हेनरी, इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। इसके पश्चात और क्या दिया गया है, तो यहां पर आर की वैल्यू दी गई है और इसका मान हो जाएगा 15 ओम, इस वैल्यू को भी यहां पर हम नोट कर लेंगे। अब और क्या दिया गया है, तो देखिए यहां पर एक समीकरण दिया गया है वी इज इक्वल टू 10 sin 100t, इस वैल्यू को भी यहां पर हम नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए इस समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण किस प्रकार से होता है, तो देखिए मानक समीकरण होता है वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। अब यहां पर देखिए यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा का मान 100 हो जाएगा और वी जीरो की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट। अब यहां पर देखिए यहां पर इन सभी वैल्यूज की सहायता से एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप इस परिपथ में देखिए, इस परिपथ में कहीं भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, तो अगर कैपेसिटर यानी धारिता अगर कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है तो यहां पर एक्स सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से अगर एक्स सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फार्मूला थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। अब किस प्रकार से परिवर्तित होगा, तो यहां पर देखिए यहां से फार्मूला हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, इस प्रकार से हम इस फार्मूले को परिवर्तित कर देंगे। अब यहां पर r की वैल्यू तो हमें ज्ञात है लेकिन xl की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है, तो सबसे पहले हम xl की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है xl इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो इसका मान यहां पर 100 दिया गया है, तो ओमेगा के स्थान पर हम 100 पुट कर देंगे। और L की वैल्यू कितनी है, तो इसका मान दिया गया है 0.2, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 0.2। अब यहां पर देखिए यहां से XL की वैल्यू हो जाएगी XL इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा 20 ओम। तो यहां से हमें R की वैल्यू भी ज्ञात हो गई और XL की वैल्यू भी ज्ञात हो गई, और इन वैल्यूज को इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, तो यहां से z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर का मान 15 दिया गया है इसका हम वर्क कर देंगे, प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल का मान 20 दिया गया है और इसका भी हम वर्क कर देंगे। अब यहां पर देखिए यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहां पर हम 225 लिख देंगे, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, तो यहां पर हम 400 पुट कर देंगे। अब यहां पर देखिए यहां से z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू अंडर रूट 225 प्लस 400, इसकी वैल्यू होती है 625। अब यहां पर 625 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो यहां से z की वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू 25 और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर ओम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने परिपथ प्रतिबाधा यानी z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए यहां पर हम प्रश्न के दूसरे पार्ट को यानी सेकंड पार्ट को हल करेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है कि धारा का शिखर मान कितना होगा, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन जेड, और इसी फार्मूले की सहायता से हम धारा के शिखर मान यानी आई जीरो की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए वी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो वी का मान यहां पर दिया गया है 10 sin 100t, और इस समीकरण का हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे यानी v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां पर v जीरो के स्थान पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है, तो v जीरो के स्थान पर हम 10 पुट कर देंगे, और बटे में z, z की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 25 ओम, तो यहां पर हम 25 पुट कर देंगे। अब यहां पर देखिए यहां पर हमें 10 में 25 से भाग देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4, और ये यहां पर आई जीरो की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए यहां पर हम धारा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो मात्रक होगा यह हो जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के सेकंड पार्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए यहां पर हम प्रश्न के तीसरे पार्ट को हल करेंगे, और यहां पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि धारा वोल्टता कलांतर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखिए यहां पर जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, और इसी फार्मूले की सहायता से हम फाई की वैल्यू को यानी धारा वोल्टता कलांतर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर जब इस ऊपर वाले समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर 100 प्राप्त हो जाएगी, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स, और ओमेगा के स्थान पर हम 100 पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है, तो एल का मान दिया गया है 0.2 हेनरी,
तो यहां पर हम गुणा कर देंगे 0.2 से और बटे में R दिया गया है, R की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 15 ओम, तो बटे में हम 15 ओम लिख देंगे और ये यहां पर फाई की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से फाई की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स, यहां पर देखिए 100 का हम 0.2 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 और यहां पर हम बटे में 15 लिख देंगे। अब यहां पर 20 बटे 15 लिखा हुआ है तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखिए यहां से वैल्यू हो जाएगी 4 और हर में मान हो जाएगा 3। अब यहां पर टेन इनवर्स 4/3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से देखिए यहां से फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू 53.13 अंश। तो इस प्रकार से यहां पर हमने धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के श्रेणी परिपथ में एक प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 18 वोल्ट, 6 वोल्ट तथा 9 वोल्ट प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर इस प्रश्न में दो पार्ट दिए गए हैं, तो पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि परिणामी विभवांतर की वैल्यू कितनी होगी और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि परिपथ धारा के बीच में कलांतर की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे यानी परिणामी विभवांतर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और इसी फार्मूले की सहायता से हम E यानी परिणामी विभवांतर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः इतनी दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए, प्रेरकत्व के सिरे पर जो विभवांतर है उसे हम VL से व्यक्त करते हैं, तो यहां पर जो VL की वैल्यू है इसका मान हो जाएगा 18 वोल्ट। इसके पश्चात यहां पर संधारित्र, संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर है इसे हम VC से व्यक्त करते हैं, तो VC की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 6 वोल्ट। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है इसे हम VR से व्यक्त करते हैं और VR की वैल्यू यहां पर 9 वोल्ट हो जाएगी। अब यहां पर इन सभी वैल्यूज को इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे, चलिए पुट करते हैं। तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर देखिए VR की वैल्यू कितनी है, इसका मान यहां पर दिया गया है 9 वोल्ट, तो यहां पर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस VL, VL की वैल्यू कितनी है, इसका मान दिया गया है 18 वोल्ट, तो यहां पर हम 18 पुट कर देंगे माइनस VC की वैल्यू यहां पर दी गई है 6 वोल्ट, तो यहां पर हम 6 पुट कर देंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर जो टर्म प्राप्त हुआ है इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 18 में से जब 6 को हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहां पर देखिए 81 और 144 जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 225। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो टर्म प्राप्त हो रहा है इसे हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू, देखिए 225 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसकी वैल्यू यहां पर प्राप्त हो जाएगी 15 वोल्ट। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के पहले पार्ट को कैलकुलेट कर लिया यानी परिणामी विभवांतर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम प्रश्न के दूसरे पार्ट को हल करेंगे यानी परिपथ धारा के बीच में कलांतर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू xl माइनस xc अपॉन r और इसी फार्मूले की सहायता से हम tan थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, xl, xc और r की वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से अगर हम r की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा vr अपॉन iv। r क्या है, प्रतिरोध है, VR यहां पर प्रतिरोध के सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान है और I यहां पर बहने वाली धारा की वैल्यू है। अब यहां पर देखिए, यहां पर VR की वैल्यू कितनी है, तो VR का मान दिया गया है 9 वोल्ट, तो यहां से R की वैल्यू हो जाएगी 9/IV। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हमें XC की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, XC के लिए फार्मूला हो जाएगा VC अपॉन IV। अब यहां पर देखिए, VC की वैल्यू कितनी है, तो VC का मान दिया गया है 6 वोल्ट, तो यहां से XC की वैल्यू हो जाएगी 6/IV। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हमें XL की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तो यहां से इसके लिए फार्मूला हो जाएगा VL अपॉन IV। अब VL की वैल्यू कितनी है, तो VL का मान दिया गया है 18 वोल्ट,
तो यहां से एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 18 बटे आईवी। अब यहां पर देखिए, यहां से आर, एक्ससी और एक्सएल, इन तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई और इन तीनों की वैल्यूज को हम ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए, जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहां से टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टैन थीटा इज इक्वल टू एक्सएल, इसकी वैल्यू दी गई है 18 बटे आईवी। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 18 बटे आईवी माइनस एक्ससी की वैल्यू कितनी है, इसका मान दिया गया है 6 बटे आईवी, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 6 बटे आईवी बटे आर, आर की वैल्यू कितनी है, तो इसका मान हो जाएगा 9 बटे आईवी। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब आप अंश में देखेंगे तो यहां पर 1 बटे आईवी का टर्म कॉमन है, तो यहां से वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहां से वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 6 बटे में हम आईवी लिख देंगे और बटे में लिखा हुआ है 9 बटे आईवी। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहां से ए आईवी और ये वाला आईवी कैंसिल हो जाएगा और यहां से टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टैन थीटा इज इक्वल टू, देखिए 18 माइनस 6 इसकी वैल्यू होती है 12 और बटे में हम 9 लिख देंगे। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर अंश में वैल्यू हो जाएगी 4 और हर में वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहां पर देखिए, यहां से टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टैन थीटा इज इक्वल टू 4 बटे 3। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टैन थीटा इज इक्वल टू 4 बटे 3, 4 में जब हम 3 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.33। अब यहां पर देखिए, टैन थीटा की वैल्यू है 1.33, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स 1.33। अब टैन इनवर्स 1.33 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू होती है 53, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री। तो इस प्रकार से यहां पर हमने कलांतर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया।